हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। आज क्लास सेकेंड के बच्चों की मैथ्स की पहली क्लास है, सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज रिवीजन। हियर वी हैव टू रिकॉल और रिवाइज आवर प्रीवियस लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक। You can see here the name of your chapter is revision and this is exercise 1. Let's start it, okay? Question number 1. Write the following in words. जैसे 18 लिखा हुआ है, ऐसे आपको words में लिखना है. So, मैं आपको कुछ points लिख के दिखाऊंगी, बाकी आपको खुद लिखने हैं. आप अपने previous classes में इसे पढ़ चुके हो, so आप इसे लिख सकते हो. इट्स जस्ट रिवीजन। ये हो गया 18। इसी तरह आपको 29, 45, 57, 86, 63 सब लिखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग इन फिगर। जैसे हमने 18 को वर्ड्स में लिखा, इसी तरह ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और हमें इसे फिगर में लिखना है। सो दिस इज 17, इट विल बी रिटन एज लाइक दिस 17, 67 as this, इसी तरह आपको लिखने हैं। Then question number 3, complete the counting। आपको पूरी counting complete करनी है, जैसे 31 है, then 32, then 33 and 34, 35, then 36, then 37, then 38, then 39 and 40, okay? मैं एक रो लिख देती हूँ, बाकी की दो रो आपको खुद लिखनी है, okay? इसी तरह आपको पूरी काउंटिंग कंप्लीट करनी है। देन प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंट करना है आपको, तो लेट्स राइट इट। आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है तो आपको याद होगा ऑब्वियसली। 90, 89, देन 88, then 87, then 86, before that 85, before that 84, 83, 82 and then 81। इसी तरह आपको बाकी रिवर्स काउंटिंग भी करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल और इज इक्वल टू। तो हमें सिंबल्स यूज करके ये जो ब्लैंक्स हैं इन्हें कंप्लीट करना है, फिल करना है, ओके? सो 21 इज लेस देन 23, तो हम वो वाला साइन लगाएंगे, ओके? 58 इज इक्वल टू 58, तो हम ये सिंबल लगाएंगे। 71 इज ग्रेटर देन 68, हम ये सिंबल लगाएंगे। इसी तरह बाकी आपको करने हैं, 44, 76, 70, 27 ये आपको करने हैं, तो आप ये कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पेज। This is your next page, so let's do it. This is question number 6. This is encircle the biggest number. आपको सबसे बड़ा number encircle गोला करना है उसमें। तो आपको ये जैसे सारे number एक box में लिखे हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो number होगा उसको गोले में बंद करना है। You have to encircle that, okay? तो इसमें देखते हैं, 25, 12, 38, 17, 45 एंड 63। इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर इंसर्कल करना है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? दिस इज 63। यू हैव टू इंसर्कल इट लाइक दिस। एंड देन फिर इसकी बात कर लेते हैं, 70, 87, 60, 41, 33, 28। इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 87। ये सब आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, आपको इसी कुछ इस तरीके से इंसर्कल करना है। एंड देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट द टेंस एंड वंस ऑफ द गिवन नंबर। अगर टेंस और वंस की बात करें, जैसे कोई हम कोई रैंडम नंबर चूज करते हैं लाइक 36, तो ये 6 पार्ट होगा इसका वंस, और ये पार्ट होगा इसका टेंस, ओके? तो इसी तरह आपको टेंस और वंस लिखना है। सो लेट्स डू इट। 36 है यहाँ पर, 3 टेंस एंड 6 वंस,
67 है जैसे, तो 6 टेंस एंड 7 वंस. ओके, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर. शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे 36 को ओपन करके हमने 3 टेंस और 6 वंस लिखा, इसी तरह 73 और 3 वंस को उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो 7 टेंस मतलब 7, 3 वंस मतलब 3, 73. लाइक दैट, सेम लाइक दैट, 5 टेंस एंड 8 वंस. 5 टेंस विल बी लाइक 5 टेंस एंड 8 वंस. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. राइट द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर द गिवन नंबर्स. जैसे आपको ये कहना है 49 के जस्ट पहले जो नंबर आता है उसे इसमें लिखना है. लाइक 49 के जस्ट पहले क्या आता है, 48. 53 के जस्ट पहले क्या आता है, 52. 62 के जस्ट पहले क्या आता है, 61. ओके, आपको ऐसे लिखना है. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 का अपोजिट है. राइट द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर. 19 के बाद जस्ट बाद में क्या आता है, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनके जस्ट बाद में क्या आता है, आपको ये लिखना है. सो 19 के बाद 20, 76 देन 77, 54 देन 55. आपको यही करना है. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में. ओके, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. आपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा हुआ है. असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि सबसे छोटी गिनती को हम सबसे पहले और सबसे बड़ी को लास्ट में लिखते हैं. तो चलिए लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं. देन इट विल बी 21 अकॉर्डिंग टू दिस बॉक्स. 21 देन 24 देन 79 देन 80 एंड देन 88. नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे. सेम एज हियर इन क्वेश्चन नंबर 12, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े वाले को और सबसे लास्ट में सबसे छोटे वाले को लिखते हैं. तो चलिए मैं एक रो आपको लिख के दिखाती हूँ, नेक्स्ट आपको खुद लिखनी है. सो लेट्स स्टार्ट इट. दिस इज 56, दिस इज 45, दिस विल बी 36, दिस विल बी 27 एंड दिस विल बी 21. ओके, तो आपको ये पेज समझ आ गया होगा. लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट पेज. दिस इज योर नेक्स्ट पेज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 13. ऐड द फॉलोइंग. आपको ऐड करना है. आपने प्रीवियस क्लासेस में ऐड, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ पढ़ा हुआ है. तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे. ओ है जो वंस के लिए यूज हुआ है, टी है जो टेंस के लिए यूज हुआ है. तो लेट्स ऐड इट. 8 प्लस 1 विल बी 9, 4 प्लस 3 विल बी 7. सेम लाइक दैट, 6 प्लस 2 विल बी 8, 3 प्लस 1 विल बी 4. अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन क्वेश्चन नंबर 14, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग. आपको सब्सट्रैक्ट करना है. सेम यहाँ पर ओ 1 के लिए यूज हुआ है, टी टेंस के लिए यूज हुआ है. 4 माइनस 1 विल बी 3, 3 माइनस 2 विल बी 1. अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट टेबल. जो आपने लर्न की हुई है अपनी केजी क्लासेस में, फर्स्ट क्लासेस में, सब में लर्न की हुई है, उसमें टेबल के बारे में. 3 5 जो 15, 3 इंटू 5 विल बी 15 एंड देन इट 4 इंटू 1 विल बी 4 एंड 4 इंटू 2 विल बी 8. इन क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइड द फॉलोइंग. 2 16, ओके, 2 8 जो 16, इट विल बी अ डिवाइडेशन. आगे के क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. इन क्वेश्चन नंबर 17 आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके सॉल्यूशंस आपको देने हैं. तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ. सो मैं पहला क्वेश्चन आपका ए पार्ट रीड कर देती हूँ, फिर इसके बाद उसका आपको अपना क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन मिल गया है. इसका आंसर कुछ 75 है. इसी तरह आपको बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. लेट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स.
पार्ट ए पे देखते हैं. अ वीक हैज 7 डेज. क्लास केजी क्लास फर्स्ट आपने सब में पढ़ा हुआ है. यू ऑल हैव टू नो दिस. बी पार्ट की बात करते हैं. अ ईयर हैज यू ऑल नो 12 मंथ्स. इसी तरह आपको बाकी के पार्ट भी करने हैं. मंडे कम्स आफ्टर एंड इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर. ये सब आप लोग काउंट करके और आपने पढ़ा हुआ है तो ये सब आप लोग कर लोगे. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19. आंसर द गिवन क्वेश्चंस. ओके पार्ट ए देखते हैं. हाउ मेनी 10 रुपी 10 नोट्स विल बी देयर इन अ 50 रुपी नोट. ओके चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दू. एक 50 रुपी का नोट में 10 रुपीज की कितनी नोट आएंगी. 50 डिवाइडेड बाई 10 विल बी इट विल बी 5 50 and that's it. Answer will be 5. There will be 5 notes in a 10. So there will be 5 note in a 50 rupee note of 10. So इसका मैंने आपको आंसर बता दिया. इसका आंसर होगा 5. तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूंगी. आप इसका PDF डाउनलोड करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. इसे अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं. तो बच्चों इसे जरूर करिएगा. एंड थैंक यू. सब्सक्राइब टू द चैनल. लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन कि आपको लगातार वीडियोस जो आए अपडेट हो वो आपको मिलती रहे. थैंक यू. गुड बाय.